नाइन्थ साइंस क्लास। तो देखो, हमने साउंड वेव के बारे में पढ़ा कि जो साउंड वेव होती है वो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन करती है पर यूनिट ऑफ टाइम। समय के अनुसार उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं, मतलब एक वेव, एक साउंड वेव रेडिएट करती है विद टाइम, टाइम के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंग बनती है, उस ऑस्किलेशन के अकॉर्डिंग बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें पढ़नी है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो, वैसे तो फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेंज होती है, ठीक है, और उन रेंज के हिसाब से हर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज के हिसाब से हर एक साउंड वेव की अपनी कुछ खासियत होती है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती है और जिनका अपना एक नाम होता है, ठीक है। तो कुछ हम पढ़ेंगे, इसलिए अब इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट मेन हेडिंग चलेगा जिसका नाम है रेंज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की क्या क्या रेंज होती है, मतलब अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें अपनी इंसानों की बात करें, तो एक ह्यूमन के ईयर के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है वो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी हमारे जो ईयर होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती हर तरह की फ्रीक्वेंसी को सुनने की। बच्चों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ हमारे कानों के सुनने की जो क्षमता होती है, हमारे कानों के सुनने की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में केवल 100 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे 200 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। अभी हम डीपली पढ़ेंगे कि कितनी सुन सकते हैं और कितनी नहीं सुन सकते। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक रेंज होती है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म की कॉमन रेंज होती है। तो सबसे पहले तो लिखो नंबर वन, पहली रेंज, फर्स्ट। इसके अंदर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा 20 हर्ट्ज। मालूम है ना फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। तो मैं बात कर रहा हूं 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी। ये वो रेंज है फ्रीक्वेंसी की जिसके अंदर हमारी भी रेंज लाई करती है, हमारी भी रेंज इसी में लाई करती है। हमारी जो रेंज होती है भाई, वो होती है 100 हर्ट्स से लेकर 250 हर्ट्स। अभी मैं सारी बातें लिखवा दूंगा। ये वो रेंज होती है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की रेंज भी लाई करती है और हम इसको सुन सकते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इन वेव्स को बोला जाता है साउंड वेव्स। लिखो साउंड वेव्स। एक दूसरा नाम और लिखो, क्योंकि हम इन्हें सुन सकते हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं अपनी ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि हम इन्हें सुन सकते हैं इसलिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है, ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स जिन्हें सुना जा सकता है, जिन्हें सुना जा सकता है, ठीक है, इन्हें हम फील कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। हमारे कान इस रेंज को अप्लाई करते हैं, हमारे कान, ठीक है। तो लिखो साउंड वेव्स या फिर ऑडिबल वेव्स के अंदर, दीज वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज दीज वेव्स WAVES, दीज वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज विच लाई बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। Which lie, LIE, which lie between 20 hertz to 20 kilo hertz. 20 hertz से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स कौन सी वेव्स कहलाती हैं, साउंड वेव्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है, तो तुम्हें बताना है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कई बार पेपर में आ चुका है ह्यूमन बीइंग की सुनने की जो रेंज होती है वो रेंज किस में लाई करती है, तो तुम्हें बताना है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। हम ये नहीं सुन, हम पूरी रेंज नहीं सुन सकते,
हम 20 किलो हर्ट्ज तक की नहीं सुन सकते, हम 20 हर्ट्ज की नहीं सुन सकते। अभी मैं बताऊंगा कि हम कौन सी रेंज सुन पाते हैं। हमारी जो रेंज होती है ना सुनने की, हम जो आवाजें सुन सकते हैं हम केवल उसी फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं जो अभी मैं लिखवाने वाला हूं। अभी मैंने बताया भी था 100 हर्ट्ज से लेकर, देखो ह्यूमन बींग की सुनने की जो शक्ति होती है वो होती है 100 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक। बस हम इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं रिस्पोंड कर सकते और हम इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को रिस्पोंड नहीं कर सकते। हम केवल 100 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो बताना 100 से लेकर 250 इसके बीच में ही तो आएगा भाई। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक लिखा हुआ है ये, तो 100 से 250 की रेंज भी किस में आएगी? इसी के अंदर आएगी। इसलिए यही रेंज ह्यूमन बींग की भी रेंज होती है, क्योंकि इसी में हमारी रेंज लाई करती है। These waves have frequencies which lie between 20 hertz to 20 kilo hertz. लिखो दिस रेंज, लिखो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। यही रेंज होती है ह्यूमन ईयर की, क्योंकि ह्यूमन ईयर की भी फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में लाई करती है। और वो क्या होती है? वो होती है 100 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज। दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। क्योंकि मेनली इसे हम सुन सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ऑडिबल वेव। इसको कुछ लोग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वेव भी कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वेव या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसी में लिखो दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं कि ऑडिबल वेव कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करती है। हम जब बोलते हैं ना, हमारी जो बोली होती है, मतलब हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, मतलब वॉइस बॉक्स होता है, वो भी इसी रेंज को फॉलो करता है। वो भी इतनी ही आवाज निकालता है। मैं ये नहीं कह रहा इतनी निकालता है 20 किलो हर्ट्स, मैं ये भी नहीं कह रहा इतनी कम निकालता है 20 हर्ट्स। लेकिन हम जो फ्रीक्वेंसी जब हम बोलते हैं तो हमारी जो बोली होती है, हमारी जो साउंड निकल रही है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी इसी में लाई करती है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी इसी में लाई करती है। हम इतना ऊंचा नहीं बोल सकते 20 किलो हर्ट्स, और हम इतना धीमे भी नहीं बोल सकते 20 हर्ट्स, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसी की भी कैपेसिटी है। तो ये कुछ खास बातें तुम्हें नोट में लिखनी है। तो नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, मैं जितने भी नोट लिखवाऊंगा सारे के सारे नोट तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं सब के सब। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि कौन कौन सी चीजें इस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करती हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें इतनी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड निकालती है। बहुत सारी होती हैं, सब तो मैं लिखवाऊंगा नहीं भाई, साइंस पढ़नी है, रिसर्च नहीं करना है उस पर घुसकर, ठीक है। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेनली इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेनली इन दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेनली इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना भाई, शादी में गए होंगे तुमने बैंड बाजा बजाया होगा कभी, है कि नहीं? दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेनली इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमा ह्यूमन वोकल कॉर्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ नालायक बच्चों के लिए, ह्यूमन वोकल कॉर्ड मतलब कि हमारा वॉइस बॉक्स जिससे हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, ठीक है। ह्यूमन वोकल कॉर्ड कॉमा इंसेक्ट, मच्छर होते हैं भाई, मच्छर भी इसी के बीच में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। कितनी करते हैं लिखवा दूंगा, अभी सारी बातें लिखवा दूंगा, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड लाउड स्पीकर, एंड लाउड स्पीकर, एंड
लाउड स्पीकर्स, ठीक है। तो इंसेक्ट हो गया, या हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सारी चीजें कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब लिखो नंबर टू। हाँ, नंबर टू में लिखो, नंबर टू में मैं लिखवा रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग की रेंज क्या होती है। अभी वैसे मैंने बता दिया था 100 से 250, है ना, 100 से 250। लेकिन बच्चों की, मतलब 5 साल से कम बच्चे और 7 या 8 साल से कम आयु के बच्चे, उनकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है। उनके कान ज्यादा कैपेबल होते हैं हम लोगों से। हमारी जब एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारे कानों की जो रेंज होती है, वो रेंज क्या होने लगती है? कम होने लगती है। पता है बचपन में, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मेरे पास नोट है। बचपन में हमारी रेंज होती है 200 हर्ट्ज से लेकर 450 हर्ट्ज तक। मतलब हम इतनी फ्रिक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते चले जाते हैं, एज बढ़ती चली जाती है, तब हमारी ओन एवरेज क्या रेंज रह जाती है? 100 से 250 बस। अब हम इतनी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, तुम लोग भी इतनी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हो, मैं भी इतनी फ्रिक्वेंसी सुन सकता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं सुन सकते हम, ठीक है। ये होती है 7 या 8 साल तक के बच्चे के लिए बस, या 5 साल तक के बच्चे के लिए। 7 और 8 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है, 5 साल तक के बच्चे की रेंज ये, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल रेंज ये चलती है हमारी, तो मैं दोनों ही लिखवा देता हूं। लिखो नंबर टू के अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन मेल, MALE, मेल, मेल होता है ना भाई, आदमी है ना, जेंट्स, पुरुष है ना, इतना काफी रहेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन मेल फ्रॉम 100 हर्ट्स टू 250 हर्ट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे ये रहा, फ्रॉम 100 हर्ट्स टू TO, 250 हर्ट्स, फ्रॉम 100 हर्ट्स टू 250 हर्ट्स, फ्रॉम 100 हर्ट्स टू 250 हर्ट्स, 250 हर्ट्स, ठीक है। मतलब हम 100 हर्ट्स से लेकर 250 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 100 से नीचे नहीं सुन सकते, 250 से ऊपर नहीं सुन सकते। लेकिन बच्चे, बच्चे कलाकार हैं, आजकल के बच्चे कलाकार होते हैं। कलाकारी क्या है उनकी? कलाकारी ये है कि वो 200 से ऊपर की और 450 से नीचे की साउंड सुन सकते हैं, जबकि हम नहीं सुन सकते। तो लिखो, लिखो बट, इसी में लिखो, बट फॉर चिल्ड्रन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, बट फॉर चिल्ड्रन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 200 हर्ट्स, बट फॉर चिल्ड्रन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, बट फॉर चिल्ड्रन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 200 हर्ट्स टू 450 हर्ट्स, है ना, कहां से कहां तक? 200 से 450 तक। फ्रॉम 200 हर्ट्स टू 450 हर्ट्स, 200 हर्ट्स टू 450 हर्ट्स, 450 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ खास बातें वो लिखो, लिखो नंबर थ्री में। वैसे तो देखो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की रेंज नहीं होती है, ये वाली रेंज सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। सबको तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करो, दुनिया भर के रेंज इसमें अप्लाई होती है, ठीक है, दुनिया भर की, है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना इस रेंज पर, वो सारे क्वेश्चन में नोट के जरिए तुम्हें लिखवाता जा रहा हूं। अब लिखो नोट नंबर थ्री, ठीक है। तो कई बार तुमने देखा होगा मधुमक्खी, है ना, हनी बी जो शहद बनाती है, तो वो उसकी भी रेंज इसी में अप्लाई होती है। वो प्रोड्यूस करती है कम से कम 440 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी। कितनी प्रोड्यूस करती है? 440 हर्ट्स, ठीक है। तो लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स गिवन बाय 440 तक की, कहने का मतलब ये नहीं कि इतनी ही प्रोड्यूस करती है,
इससे कम भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स गिवन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स गिवन बाय हनी बी गिवन बाय अ हनी बी इज अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 440 से कम भी और 440 से थोड़ा सा ज्यादा भी, ठीक है। बाय अ हनी बी इज अबाउट 440 हर्ट्स, इज अबाउट 440 हर्ट्स, 440 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हनी बी अप्लाई करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स गिवन बाय अ हनी बी इज अबाउट 440 हर्ट्स, ठीक है। अब लिखो नंबर 4, नोट के अंदर ही चल रहा है, लिखो मॉस्किटो का लिख लो, मक्खी मच्छर होते हैं ना भाई, घरों में मच्छर होते हैं, क्या करें, काटते हैं, लिखो इन मॉस्किटो अराउंड 500 हर्ट्स टू 600 हर्ट्स, जो घर में मक्खी मच्छर होते हैं उनकी 500 हर्ट्स से लेकर लगभग 600 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तुमने देखा होगा जब वो कान के पास आ जाते हैं तब जाके हमें सुनाई देती है, जब कान के आसपास मच्छर उड़ता है तब जाके हमें सुनाई देती है, वैसे नॉर्मली सुनाई नहीं देगी। तुम इस चीज को महसूस करके देखना, क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि क्योंकि वो कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं अपनी, 500 से 600 हर्ट्ज, जबकि हम लोगों की कैपेसिटी कितनी होती है, 100 से लेकर 250 बस। तो जब मक्खी मच्छर हमारे कान के काफी नजदीक आ जाते हैं तब जाके वो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, अदरवाइज वो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देती। तो लिखो फोर्थ में, इन मॉस्किटो अराउंड 500 हर्ट्स टू 600 हर्ट्स, 500 हर्ट्स टू 600 हर्ट्स, ठीक है। और घर में उड़ने वाली नॉर्मल मक्खी भी, उसकी भी लिख लो, लिखो इन ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई जो घर में नॉर्मल मक्खी उड़ती है, क्योंकि मक्खियां भी कई तरह की होती है लेकिन मैं बात कर रहा हूं घर में उड़ने वाली नॉर्मल मक्खी की, ठीक है। इन ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई इज अराउंड 350 हर्ट्स, इन ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई इज अराउंड 350 हर्ट्स, 350 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वो घर में उड़ने वाली मक्खी क्रिएट करती है। इन ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई इज अराउंड 350 हर्ट्स। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हटकर, मैंने तुम्हें बताया कि ऑडिबल रेंज कहने का मतलब 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक वाली फ्रीक्वेंसी, अब हम बात करेंगे 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी और 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी। एक बार बोर्ड पर जरा इसी चीज को दोबारा से समझते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों के अंदर कम दिमाग है, हो सकता है तुम लोगों को बात ये थोड़ी सी अटपटी लगे। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाई 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी क्रिएट ऑडिबल रेंज, इसी को क्या बोलते हैं, ऑडिबल वेव्स बोलते हैं, क्योंकि हम इनको सुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इनको सुन सकते हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं 20 हर्ट्ज से बिलो, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी, और फिर मैं बात करूंगा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सोचो 20 किलो हर्ट्ज से ही है, बताओ 1 किलो में कितने होते हैं 1000, तो 20 किलो हर्ट्ज में कितने हो जाएंगे 20,000 हर्ट्ज, इसका मतलब ये हुआ 20,000 हर्ट्ज। अब मैं बात करूंगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी, और सोचो ये है सिर्फ 20 हर्ट्ज, अब मैं बात करूंगा 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड। मैं उन साउंड की बात करने वाला हूं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब इतनी कम होती है, इतनी कम होती है हम तो खैर नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी रेंज तो ये है सुनने की, और इसमें भी क्या है 100 से 250 की, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की। तो ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, दैट साउंड इज नोन एज इंफ्रा साउंड।
क्या बोलते हैं उनको? इंफ्रासाउंड। अगर पूरे शब्दों में समझोगे तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स? इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। अब बोर्ड पे देखो, ये होती है 20 हर्ट्ज से कम वाली इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है सिर्फ साउंड वेव्स, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर तक की कहलाती है अल्ट्रासाउंड वेव्स। कौन सी साउंड वेव्स? अल्ट्रासाउंड वेव्स। इसको कुछ लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। समझ में आ गई ना? तीन रेंज समझ में आ गई। देखो, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, और 20 किलो हर्ट्ज से लेकर ऊपर। देखो, 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड इंफ्रासोनिक साउंड, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड साउंड वेव्स, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो मैंने तुम्हें साउंड वेव्स तो पढ़ा दिया है, मैंने तुम्हें ऑडिबल साउंड वेव्स पढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूंगा 20 हर्ट्ज से कम वाली। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली लिखो नंबर टू। मैंने तुम्हें नंबर वन पढ़ाई है अभी तक, फिर मैंने कुछ नोट लिखवाए। नंबर वन मैंने पढ़ाई साउंड वेव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। अब मैं पढ़ाऊंगा इंफ्रासोनिक। तो लिखो इंफ्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स है ये? इंफ्रासोनिक वेव्स। दूसरा नाम भी लिखो, जितने भी मैं नाम लिखवाता हूं सारे नाम लिखे करो, पेपर में कुछ नहीं पता कब क्या पूछ लें। लिखो ब्रैकेट में, शॉर्ट में बोलते हैं इंफ्रा साउंड। कौन सी साउंड है ये? इंफ्रा साउंड। तो लिखो इंफ्रा साउंड के लिए या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स के लिए। तो मुझे बताओ, इनके अंदर हम उन साउंड की बात करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है। क्लियर? लिखो, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी आर बिलो, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी आर बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स, हुज फ्रीक्वेंसी आर बिलो 20 हर्ट्ज, हुज WHOSE, whose frequency are below 20 hertz are called infrasonic waves. ऐसी waves क्या कहलाती हैं? Infrasonic waves are called infrasonic waves. अब मैं तुम्हें कुछ real example लिखाऊंगा जिनके अंदर infrasonic waves पाई जाती है, ठीक है। तुमने देखा होगा earthquake, earthquake होता है लैंडस्लाइड की वजह से। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? लैंडस्लाइड की वजह से। ज्योग्राफी वाले बच्चे इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, मुझे तो खैर मैं साफ बताऊं इतनी नॉलेज नहीं है अर्थक्वेक की, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। और अर्थक्वेक क्रिएट होने से दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है। एक तो होती है मेन शॉक वेव्स। मेन शॉक वेव से पहले नॉर्मल वेव्स आती हैं, और जब नॉर्मल वेव्स आती हैं तो नॉर्मल वेव्स कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती हैं? 20 हर्ट्ज से कम। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, ध्यान से सुनो, अगर बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है तो अर्थक्वेक आने से पहले छोटी छोटी वेव्स निकलती हैं। अगर तुमने उन वेव्स को टैकल कर लिया, अगर तुमने उन वेव्स के बारे में पता लगा लिया, तो तुम बड़े अर्थक्वेक के जोखिम से बच सकते हो, जिन्हें डॉग महसूस कर सकते हैं। जिन्हें कौन महसूस कर सकते हैं? डॉग महसूस कर सकते हैं, हम लोग महसूस नहीं कर सकते। तो कुत्ते इस चीज का पता लगा लेते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम सुनने की होती है, ठीक है। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो लिखो, अर्थक्वेक वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। अर्थक्वेक, हालांकि अर्थक्वेक हाई साउंड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन पहले वो लो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर तुमने लो साउंड का पता लगा लिया तो तुम जोखिम से बच सकते हो, नुकसान से बच सकते हो, डिजास्टर से बच सकते हो। तो लिखो, अर्थक्वेक वेव्स
इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स. हाँ इसी में लिखो, ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस्ड. ड्यूरिंग अर्थक्वेक लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस्ड है ना. मतलब पहले तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है और बाद में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर तुमने लो फ्रीक्वेंसी साउंड को समझ लिया, सुन लिया, पता लगा लिया, तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है. ड्यूरिंग अर्थक्वेक लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर मेन शॉक वेव्स. मतलब मेन वेव्स आने से पहले लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं, और अगर तुमने लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पता लगा लिया फिर जाने बच जाएंगी. ठीक है, तो लिखो प्रोड्यूस्ड बिफोर मेन शॉक वेव्स, जिसकी वजह से एनिमल्स अलर्ट हो जाते हैं पहले ही, क्योंकि एनिमल्स इनको रिस्पोंड कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते. लिखो बिफोर द मेन शॉक वेव्स अलर्ट्स द एनिमल, इनसे एनिमल अलर्ट हो जाते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, कुत्ते, है ना, डॉग समझते हो ना, अलर्ट्स द एनिमल. हाँ लिखो नंबर टू, एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं एनिमल का, ठीक है. राइनोसोरस है ना, देखा तो शायद नहीं होगा तुमने क्योंकि यहां पर पाया ही नहीं जाता. ये पाया जाता है अफ्रीका, है ना. खैर हमें ये खोज नहीं करनी कि कहां पाया जाता है, लेकिन अगर तुम गूगल पे सर्च करते हो तो ये वाला जानवर तुम्हारा कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में. इसके सींग होते हैं भाई लंबे, अजीब सा मुंह होता है, तुम लोगों के जैसा ही होता है, ठीक है, अजीब सा. खैर चलो मजाक की बात हो गई, खत्म. अब लिखो सेकंड पॉइंट में, तो ये भी इंफ्रासाउंड को महसूस कर लेते हैं, क्योंकि राइनोसोरस पता है कितनी फ्रीक्वेंसी तक को सुन सकते हैं, 5 हर्ट्ज से कम तक की. बताओ 5 हर्ट्ज तक भी होगी ना तो भी सुन लेंगे, और ये तो 20 हर्ट्ज से कम प्रोड्यूस करती है अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये आराम से रिस्पोंड करते हैं. लिखो राइनोसोरस कम्युनिकेट इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेट इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्स. मतलब 5 हर्ट्स से कम की भी वो सुन सकते हैं. बोर्ड पे लिखा हुआ है एज लो एज 5 हर्ट्स. राइनोसोरस कम्युनिकेट इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्स. ठीक है, अब लिखो बी थर्ड पॉइंट. देखो वैसे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, हर एक रेंज के दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, काम का पढ़ना है, ठीक है. तो लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो वेल एंड एलिफेंट. वेल होती है ना, वेल मछली, मछली तो नाम के लिए होती है, खतरनाक होती है, होती तो क्या मछली है. लिखो वेल्स एंड एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड साउंड. वेल्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड साउंड इन द इंफ्रासोनिक रेंज. Whales and elephants also produced sound in the infrasonic range.
इंफ्रासोनिक रेंज। तो इंफ्रासोनिक रेंज की वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं कौन? वेल और एलिफेंट। अब हम बात करेंगे हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस जिन साउंड में होती है, दैट साउंड इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, या नॉर्मली क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सुना होगा तुमने, कहते नहीं है आज मेरा अल्ट्रासाउंड है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा सोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर ब्रैकेट में लिखो अल्ट्रा साउंड, टिक कर लेना इस पर। अब ये आगे का चैप्टर इसी टॉपिक पर चलेगा, इंपॉर्टेंट है ये सोनर वाला टॉपिक, SONAR। इसको कुछ लोग सोनार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते क्या है, सोनर। साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है ये, किस तरह से सिग्नल भेजते हैं ना, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। खैर, इस पर अभी हम बाद में आएंगे, इसको बीच में ना बोले। हाँ, अल्ट्रासोनिक नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल पर। जब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड बन जाती है, मतलब ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अबव हो जाती है, दैट साउंड इज नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रा साउंड। इसकी तीन एप्लीकेशन तुम्हें 9th क्लास के अंदर पढ़नी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे अप्लाई होता है, मेडिकल लेवल पर कैसे अप्लाई होता है, और एक एप्लीकेशन और है इसकी कम्युनिकेशन के लिए कैसे अप्लाई होता है। कम्युनिकेशन में वही पढ़ना है जो भी मैंने सोनर का बताया था, ठीक है। तो पहले तो ये साउंड पढ़नी है, ठीक है। तो पहले इसके आगे लिखो डेफिनेशन कि अल्ट्रासाउंड कहते किसे। तो लिखो, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी लाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो लिखो, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी लाई, LIE लाई, दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज लाई अबव 20 किलो हर्ट्स, अबव 20 किलो हर्ट्स, अबव 20 किलो हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज लाई अबव 20 किलो हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये हमारे बस के नहीं है, कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर जा रही है। 20 किलो हर्ट्स तक सुन सकते हैं हम, बल्कि वो भी नहीं सुन पाते हैं हम तो। हम तो कितनी सुन सकते हैं, 250 हर्ट्स तक की बस, है ना, उससे ऊपर की नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे बस की नहीं है बिल्कुल सुनना। तो लिखो, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स, कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स, ठीक है। लिखो, बट मॉस्किटो, है ना, मच्छर वगैरह कर लेते हैं, बट मॉस्किटो कॉमा फिश कॉमा डॉग एंड बैट, बैट होते हैं ना चमगादड़, मॉस्किटो फिश डॉग बैट्स शो रिस्पॉन्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज, वो इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। खासियत है भाई, हर किसी की ऑर्गेनिज्म के अपने ईयर की कैपेबिलिटी होती है। अब हम नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, मच्छर कर रहा है तो कर रहा है, हमारी गलती थोड़ी ना है। बट मॉस्किटो फिश डॉग एंड बैट्स शो रिस्पॉन्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज, शो रिस्पॉन्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, शो रिस्पॉन्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज। नोट के अंदर लिखो ए पॉइंट,
लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट, मैंने बताया था कि डॉग रिएक्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं कि डॉग किस हद तक रिएक्ट कर सकते हैं तुम्हें मालूम नहीं है। डॉग की कैपेसिटी होती है 38 किलोहर्ट्ज तक की। बताओ 38 किलोहर्ट्ज तक डॉग कैपेबल होता है सुनने में, रिस्पोंड करने में, ठीक है इतना। ये तो बहुत है, हमसे ज्यादा शक्ति तो डॉग के अंदर सुनने की। लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट, लिखो अ डॉग कैन हियर साउंड्स, अ डॉग कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 38 किलोहर्ट्ज। अ डॉग कैन हियर साउंड मतलब वो साउंड को सुन सकता है, कितनी 38 किलोहर्ट्ज तक की। अ डॉग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 38 किलोहर्ट्स, अप टू 38 किलोहर्ट्स, कितनी दमदार बात है ना, अप टू 38 किलोहर्ट्स। हाँ नोट के अंदर लिखो बी पॉइंट। अब बात करते हैं बैट्स की, तो चमगादड़ इससे भी ज्यादा है भाई, वो 30 किलोहर्ट्स से कम 50 किलोहर्ट्स तक की सुन सकता है। तो लिखो बी पॉइंट में, द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट्स, कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो, द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट वेरीज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्स टू 50 किलोहर्ट्स, वेरीज फ्रॉम, वेरीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरीज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्स टू 50 किलोहर्ट्स, मतलब 30 किलोहर्ट्स से लेकर 50 किलोहर्ट्स तक को वो रिस्पोंड करते हैं और इतनी वो प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय बैट वेरीज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्स टू 50 किलोहर्ट्स, ठीक है। सी पॉइंट लिखो नोट के अंदर, डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन उससे भी बढ़कर है। देखो मैं पहले ही बताऊं, दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म है और हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी ही खासियत है। अब सब पढ़ते रहेंगे तो हो लिया काम, है ना, कुछ सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं तो डॉल्फिन भी लिख लो, ये भी कई बार आ चुका है। तो लिखो डॉल्फिन ऑल्सो क्रिएट अल्ट्रासाउंड, डॉल्फिन ऑल्सो क्रिएट, डॉल्फिन ऑल्सो क्रिएट अल्ट्रासाउंड, ऑल्सो क्रिएट अल्ट्रासाउंड इन द रेंज ऑफ 100 किलोहर्ट्स, इन द रेंज ऑफ 100 किलोहर्ट्स, 100 किलोहर्ट्स, बताओ 100 किलोहर्ट्स तक डॉल्फिन तो हद कर दी डॉल्फिन ने, 100 किलोहर्ट्स तक की प्रोड्यूस करती है ये, 100 किलोहर्ट्स तक की, 100 किलोहर्ट्स, ठीक है। तो और भी दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अक्सर क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासाउंड, और इनको रिस्पोंड करते हैं वो।